हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 7.5 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो हमें क्वेश्चन में जो है ना, इसकी दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। तो बाकी चीज़ें इसमें जो ईंट वगैरह का जो आयतन वगैरह है या इसकी जो माप वगैरह है किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सभी को एक में बदलना पड़ेगा, तो इसलिए 5 मीटर को हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 100 से 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार दीवार की चौड़ाई ऑलरेडी है ना सेंटीमीटर के अंदर दी गई है, जो कि कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो दीवार की ऊंचाई हमें 3 मीटर दी गई है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम दीवार का जो आयतन निकाल लेंगे। दीवार का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, L × B × H। तो इसी फॉर्मेट में इन चीज़ों को रख देंगे। तो L का मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर, फिर गुणा B मतलब ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर रख देंगे। फिर है गुणा इसकी ऊंचाई, हाइट, तो हाइट कितना है, 300 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर रख देंगे। तो अब इनका गुणा कर लेंगे, तो इसका 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 के अंदर ये 2 0 1 3, 3 और 2 5 0 लगा देंगे तो हमारे पास ये इसका आयतन आ जाएगा, वो आएगा घन सेंटीमीटर के अंदर। आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है। तो इसका हमारे पास जो आयतन हो जाएगा 4500000 घन सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से क्या करेंगे, अब एक ईंट, ये तो इसका पूरा दीवार का आयतन आ गया है, अब हम एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। तो एक ईंट का आयतन निकालने के लिए हमें सेम फॉर्मूला में इसको रखना पड़ेगा, आयतन निकालने का जो फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसकी जो ईंट की जो लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, गुणा चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो अब इन तीनों को गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 7 से करेंगे तो ये 7.5 को 10 से करेंगे तो ये 75, और 75 को ये जो जीरो लगाएंगे 750, 750 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया एक ईंट का। अब क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार के कुल आयतन के अंदर एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, तो उससे क्या होगा, ईंटों की कुल संख्या आ जाएगी जितनी ईंटों की हमें आवश्यकता होगी। तो ये जो है ये दीवार का आयतन है, और दीवार के आयतन में इसका भाग दे देंगे एक ईंट के आयतन का। तो इसका भाग देने से ये 2 0 से तो 2 0 कटी जाएगी, 15 से ये चला जाएगा 45 तीन बार, और इसके पीछे 3 0 बच जाएगी, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 3000 ईंटें आ जाएगी। अतः दीवार बनाने में ईंटों की संख्या कितनी होगी, 3000 इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एवं शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।